गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुसुम देवी के समर्थन में प्रचार करने केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। नित्यानंद राय ने सीएम नीतीश पर भी हमला बोला और कहा कि अब 7 जन्मों में भी बीजेपी जेडीयू से गठबंधन नहीं करेगी। 7 जन्म में नहीं भारतीय जनता पार्टी उनसे गठबंधन करने जा रही है, स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, एकदम नहीं। बिहार की विधि व्यवस्था चौपट है, गोपालगंज भी उससे ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ विकास अवरुद्ध हो गया है, गुंडों का बोलबाला है, यहाँ बहु बेटियों के साथ, माँ बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार हो जाता है, खुलेआम हत्या कर दी जाती है, यहाँ लूट की छूट मिल गई है इस सरकार में, अपराधियों को संरक्षण मिलता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरह से इस सरकार को कहीं से भी किसी का, किसी भी समाज और वर्ग का वोट नहीं, सबको भाजपा का समर्थन मिल रहा है। तो नित्यानंद राय का ये बयान आपने सुना कि 7 जन्म में भी अब बीजेपी जेडीयू के साथ नहीं जाएगी। जिस तरीके से लगातार चर्चाएं ये चल रही है कि बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जा सकते हैं, प्रशांत किशोर ने बयान दिया और उसके बाद से हवा तेज हो गई। जीतनराम मांझी ने भी कुछ इसी तरीके की बात कही, स्वागत करने की बात तक कह डाली, लेकिन बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ने इसे खारिज किया है। अरुण चौरसिया हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से चर्चाएं लगातार चल रही है, भले ही हवा में ही बातें तय रही हो कि बीजेपी के साथ जो है वो नीतीश कुमार जा सकते हैं, लेकिन नित्यानंद राय ने साफ कर दिया है कि 7 जन्म में भी अब वो जेडीयू के साथ जो बीजेपी है वो नहीं जाएगी। किस तरीके से उनके इस बयान को देख रहे हैं? देखिए, ये राजनीति के तहत बयानबाजी की जा रही है, ऐसा माना जा सकता है, इसलिए कि अभी बीजेपी को छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ सरकार बनाए हैं, अभी बिहार के सीएम हैं और 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर वो तैयारी कर रहे हैं, जो भी विपक्षी दल है उसको एकजुट करने को लेकर। तो ये अभी कहीं से भी ये नहीं लगता है कि वो तुरंत बीजेपी के साथ जाएंगे, और इससे जो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, नीतीश कुमार की जो एक अलग क्रेडिबिलिटी है, हालांकि उन्होंने कई बार गठबंधन और पार्टी बदले हैं, इसके बावजूद उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसलिए ये इस तरह की आशंका जाहिर कर रही है, बयानबाजी हो रही है, लेकिन ऐसी अभी संभावना नहीं दिखती है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है, चूंकि कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन की सरकार में जो वो उनकी उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो रही है, तो जीतन राम मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, पुराने दिग्गज हैं, राजनीति का लंबा अनुभव है, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने ये बयान दिया है, और उनके बयान का ना सिर्फ सत्ताधारी बल्कि जो विपक्ष में है यानी सभी दलों ने खारिज कर दिया है। जेडीयू आरजेडी ने उनके बयान को कहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है, वहीं बीजेपी भी कह रही है कि अब नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ आना दूर दूर तक संभव नहीं है और बीजेपी अब उन्हें उनका साथ नहीं देगी, इसलिए। लेकिन चूंकि राजनीति है, इसमें संभावनाओं का खेल होता है, कब क्या होता है, लेकिन तत्काल अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर बीजेपी के साथ जाएं, लेकिन अभी चुनाव है, चूंकि चुनाव में उपचुनाव मोकामा और गोपालगंज में होने वाला है, इसलिए जो दूसरे का वोट है उसको कैसे अपने तरफ खींचा जाए या उसको भ्रमित किया जाए, तो इसको लेकर भी कभी कभी बयानबाजी होती है। तो इस ये जो उनके नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने को लेकर, इसमें ये भी सोचा जा सकता है कि इस अभियान के तहत भी इस तरह का बयान दिया गया हो, लेकिन तत्काल जैसा आपने कहा कि क्या संभावनाएं हैं, नित्यानंद राय ने खुद इससे इनकार किया है और बीजेपी के लगभग सभी नेताओं ने इनकार किया है, यहाँ तक कि जो सम्राट चौधरी हैं, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने तो एक नया संकल्प लिया है कि जब तक सीएम पद से नीतीश कुमार हटते नहीं है तब तक वो अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो बीजेपी के नेता यहाँ तक आगे जा रहे हैं, यानी कहीं कहीं केंद्रीय नेतृत्व से भी उन्हें हरी झंडी मिलनी है कि अब अपने बलबूते बिहार में आगे बढ़ना है नीतीश कुमार से, इसलिए हाल के दिनों में नीतीश कुमार के साथ फिर से आने की संभावना नहीं के बराबर दिख रही है। बिल्कुल, तो प्रशांत किशोर का बयान सामने आया, हवा में बातें जो है वो तैर गई, मांझी ने इसका समर्थन कर दिया, लेकिन मांझी जिस तरीके से बात लगातार कह रहे हैं, आरजेडी भले इसे नकार रही कि उनके बयान का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन क्या लगता है कि मांझी का भी जो मन है वो थोड़ा सा डोल रहा है क्या?
मांझी का मन डोल नहीं रहा, वो प्रेशर पॉलिटिक्स, जैसा हमने पहले बताया कि प्रेशर पॉलिटिक्स के माहिर हैं। जब महागठबंधन की सरकार बनी, इससे पहले जब बीजेपी के साथ सरकार थी तो उनके बेटे मंत्री हैं, उनके पास दो दो विभाग थे, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो एक विभाग उनसे छिन गया। और अभी फिर उन्हें लगा था कि उन्हें कुछ खास तवज्जो मिलेगी जीतन राम मांझी को भी, लेकिन ऐसी इस सरकार में उन्हें खास तवज्जो नहीं मिल रही है, चूँकि उनके जो बेटे को MLC RJD ने बनाया था और लोकसभा चुनाव में उन्हें काफ़ी सीटें दी थी चुनाव लड़ने के लिए, उसके बाद जो है वो RJD को छोड़कर विधानसभा के चुनाव में NDA के साथ आ गए थे। तो RJD, चूँकि RJD और JDU को मिला के पूरा समर्थन है, सरकार को बहुमत है, इसलिए मांझी अगर नहीं भी रहते हैं तो उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन महागठबंधन में उनको रखा गया है। मांझी जी प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उन्होंने समर्थन किया था, और प्रशांत किशोर चूँकि बिहार की राजनीति में जगह बनाना चाह रहे हैं, इसलिए जब तक वो नीतीश कुमार और BJP के बारे में इस तरह की बातें नहीं करेंगे तो फिर उनको लोग नहीं सुनेंगे। वो यात्रा पर निकले हैं, उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में अक्सर हर दिन कुछ न कुछ ऐसी बातें कहती हैं जो सुर्खियां बनती है, और जब सुर्खियां बनेगी तभी वो उनकी जो यात्रा है, वो जो अपना जगह बनाना चाहते हैं बिहार की राजनीति में, तभी हो पाएगी। इसलिए प्रशांत किशोर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, और प्रशांत और जीतन राम मांझी ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत उनका समर्थन किया, यानी कहा कि संभावनाएं में राजनीति में कुछ भी संभावनाएं हैं, लेकिन अभी जो विशेषज्ञ है, जो राजनीति के जानकार हैं, उन्हें लगता है कि ऐसा अभी बिहार में कुछ होने वाला नहीं है कि नीतीश कुमार फिर से BJP के साथ जाएं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम।